हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेस इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन, जो कि 2024 के अंदर यदि आप इससे लोन लेते हैं तो आपको बहुत ही कम प्रोसेसिंग चार्ज में और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ लोन मिल जाएगा। जैसे कि डॉक्यूमेंट में लगेगा आधार कार्ड और पैन कार्ड और अदर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और आप अपने मोबाइल से डायरेक्ट ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी काम यहाँ पे ऑफलाइन नहीं होगा, सारा काम बिल्कुल ऑनलाइन होगा, और 5 मिनट के अंदर घर बैठे आप अपने मोबाइल पर लोन ले पाएंगे। तो वो कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरीके से काम करता है, यानी कि किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, तो चलिए एक एक करके सारे स्टेप को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो ये जो लोन एप्लीकेशन का नाम है वो है मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन। तो मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन, जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ये NBFC रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा जी हाँ, बिल्कुल है। मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन NBFC से रजिस्टर्ड है, और ये RBI में जिस नाम से रजिस्टर्ड है वो है मनी व्यू लोन ऐप एंड मनी मैनेजर के नाम से। इसका हम लोग देखते हैं रिव्यू, तो आज के डेट में इसका 1 करोड़ से भी प्लस डाउनलोड है। और इसकी रिव्यू की बात कर लेते हैं तो 4.8 स्टार जो है इसको रेटिंग मिला हुआ है। आप इसके अबाउट सेक्शन पे चलते और हम लोग समझते हैं हर चीज़। ये आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन देता है सैलराइड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए, यानी कि आप यदि सैलराइड पर्सन है तो भी आपको लोन मिल जाएगा, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है तो भी आपको लोन मिल जाएगा। और इसमें जो लोन आपको मिलता है मैक्सिमम 10 लाख रुपये तक का लोन आपको मिलता है। इसकी एनुअल इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं तो 16% से 39% के बीच इसका एनुअल इंटरेस्ट रेट है, और इसका जो रिपेमेंट टाइम होता है वो 3 मंथ से 5 साल तक आपको रिपेमेंट टाइम मिलता है। इसमें किसी प्रकार का हिडन चार्ज नहीं है। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मान लीजिए आपने इससे लोन लिया 50,000 रुपये का, और इसका इंटरेस्ट रेट पड़ा है 24%, और जो आपको लोन रिपेमेंट टाइम मिला वो मिला है 12 मंथ, तो जो प्रोसेसिंग फीस और GST कट होगा वो 1750 रुपया प्लस 315 रुपया GST का, और मंथली जो आपका EMI पड़ेगा वो 4728 रुपया पड़ेगा, यानी कि टोटल डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 47,935 रुपया का, और टोटल इंटरेस्ट जो आपको पड़ेगा 6736 रुपये का, यानी टोटल रिपेमेंट आप करेंगे 50,000 का तो 56,736 रुपया आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। इसमें हम लोग इसकी की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो लोन देता है मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 10 लाख रुपया, यानी कि दोनों के बीच के रेंज के आपको लोन मिलेगा। जिस तरीके से आप रिपेमेंट करेंगे टाइम टू टाइम, उस तरह से आपका जो लोन का अमाउंट है वो इंक्रीज होते जाएगा। इसकी रिपेमेंट ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तो इसका रिपेमेंट ड्यूरेशन है 3 मंथ से लेकर के 5 साल। इसकी एनुअल इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं तो 16% से 39% के बीच में है। प्रोसेसिंग फीस की बात कर लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस है 2% से 8% के बीच में। अब हम लोग कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि किस तरीके से हम लोग इसमें लोन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको मनी व्यू लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मनी व्यू लोन एप्लीकेशन आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो मनी व्यू लोन एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स फिल करना है। बेसिक डिटेल्स में मतलब आपको अपना नाम एड्रेस फिल करना है, उसके बाद अपना एलिजिबिलिटी चेक करना, जो कि 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। उसके बाद आपको कितने रुपये का लोन अमाउंट चाहिए और कितना रिपेमेंट दिन चाहिए रिपेमेंट टाइम का, वो आपको फिल करना है। उसके बाद अपना KYC डॉक्यूमेंट देना है और अपना इनकम वेरीफाई करना है। तो इनकम यहाँ से यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इनकम देने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप सैलराइड पर्सन है तब आप अपना इनकम दे सकते हैं। उसके बाद जस्ट आपको मनी ट्रांसफ़र आपके बैंक अकाउंट में कर दिया जाएगा। इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, कौन एलिजिबल है इसे लोन लेने के लिए, तो पर्सनल लोन दोनों लेने के लिए एलिजिबल है, सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड। मिनिमम सिविल स्कोर जो चाहिए वो 600 चाहिए और एक्सपीरियंस में 650 चाहिए। एज लिमिट जो चाहिए वो चाहिए 21 साल से 57 साल के बीच में, और इनकम जो है आपके बैंक अकाउंट में रिसीव्ड होना चाहिए। इसकी लीडिंग पार्टनर की बात कर लेते हैं, तो इसके लीडिंग पार्टनर है विजडम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, क्लाइक्स कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, कैस्ट्रो सेशन फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, SMFG इंडिया क्रेडिट, पिरामिल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इनक्रेट फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, नॉर्थन आर कैपिटल लिमिटेड, विवित्री कैपिटल लिमिटेड, चोलोमंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, NDX P2P पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड,
IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड, तो इसके इतने सारे इसके NBFC पार्टनर हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बेस इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।